हेलो दोस्तों, मैं अमरदीप कादियान। नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह की, राम राम जी, जय माता की। दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल डिसेंट एडवाइज में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे खुशी के बारे में कि हम खुश कैसे रह सकते हैं और हम कब खुश रहते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा बहुत से आदमियों का, ज़्यादातर मध्यम वर्गीय परिवार के आदमियों का एक सपना होता है कि मैं एक कार ले लूँ। छोटी कार होती है तो उसका सपना होता है बड़ी ले लूँ, बड़ी होती है तो उससे बड़ी कार। अब वो क्या करता है, उसके लिए सेविंग करता है, पैसा इकट्ठा करता है, चवन्नी चवन्नी इकट्ठी करता है अपनी। फिर वो पूरे इकट्ठे नहीं हो पाते जो उसकी ड्रीम कार है उसके, तो वो उसके लिए एक लोन ले लेता है। अब जब उसकी कागज बढ़िया होते हैं, ट्रांजेक्शन बढ़िया होती है, सब कुछ अच्छा होता है, तो उसको बैंक इजिली लोन दे देता है, तो वो एक गाड़ी ले आता है खरीद के। अब जब वो गाड़ी ले आता है तो वो बहुत खुश होता है, उसका परिवार भी बहुत खुश हो जाता है। फिर वो गाड़ी लेके अपने घर आता है, सोचता है मैं अपने यार प्यारे रिश्तेदारों को इसको गाड़ी को दिखाऊंगा, और वो ये करता भी है, दिखाता भी है सबको, इधर उधर जो भी उसके खास यार प्यारे मित्र रिश्तेदार होते हैं उनके पास भी जाता है, उसको दिखाता है। पर सवाल यह कि वो खुशी कितने टाइम तक चलती है, 10 दिन 20 दिन, महीना, 2 महीना, उसके बाद फिर वही पारिवारिक समस्याएं आ जाती हैं, मियाँ बीबी का नोकझोंक फिर स्टार्ट हो जाती है और लाइफ फिर उसी देसी ठर्रे पे आ जाती है जहाँ से वो चली हुई होती है। ऐसे ही अगर बहुत से आदमी, आपने कहा ड्रीम है मैं एक आईफोन लेऊंगा भाई, 11 लेऊंगा भाई, अब आपने पैसे इकट्ठे करे, थोड़े थोड़े करके इकट्ठे कर भी लिए, नहीं भी होए तो किस्तों पर ले आए। आजकल बहुत से बैठे ही हैं, आपने पता ही है, वहीं शोरूम के अंदर ही बैठे हैं वो वहीं आईफोन दे दिया। अब वो बड़ी खुशी मिली, मज़ा आ गया भाई, 2-4 फोटो खींची, सेल्फी खींची, वीडियो बनाई वगैरह वगैरह, सोशल मीडिया पर डाल दी, 10-5 दिन 20 दिन, महीना 2 महीना खुशी रही। उसके बाद क्या हुआ, आईफोन 12 आ गया भाई, नया मॉडल आ गया भाई, नया वर्जन आ गया, फिर वो खुशी खत्म। तो ये खुशी का कोई परमानेंट रीजन नहीं है, खुशी तो रोज ही है यार। मैं बहुत से ऐसे आदमियों को देखता हूं यार, एक 200 गज के मकान में रह रहे हैं, यार 1000 गज का बनाऊंगा भाई, बना लेगा भाई, उसे का बना भी लेगा, सोच लिया। तो अगर आप आसमान की तरफ देखते रहेंगे, हर टाइम ही आसमान की तरफ ध्यान रखेंगे, ज्यादातर ध्यान अपना खाली टाइम में आसमान की तरफ ही रखेंगे, तो 100% चांस है किसी में किसी दिन आपके पंख लग ही जाएंगे, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हम बनते हैं। अब आपने 1000 गज की बना ली, बन गई, तो उससे कितने दिन खुशी और मिलेगी, फिर वही 2-4-6 महीने। तो हर चीज में ही लागू होता है। मैं बहुत से आदमियों को देखता हूँ यूट्यूब चैनल स्टार्ट करते हैं भाई, बड़ा कॉन्फिडेंस होता है, बहुत खुश होते हैं, सारे अपने यार प्यारे रिश्तेदारों को बताते हैं, सबसे सब्सक्राइब करवाते हैं, 10-20-50 उनके हो भी जाते हैं, फिर एक पूरी ताकत लगा के एक फिल्म बनाते हैं, बना दी, एक और बनाते हैं, 5-7-10 फिल्में बनाते हैं वो, फिर उसके ऊपर व्यू देखते हैं, यार आए नहीं यार, ये तो 10 आए। शुरू में जब 50 सब्सक्राइबर हुए उसके, तो देखते हैं यार 50 आदमियों ने देख ली भाई, 60 भी देख लेते हैं, कई बार 10 एक्स्ट्रा भी देख लिए, पर वो 500 नहीं हो पाते। फिर वो फिर लगन से, फिर जोश से फिर बनाता है, 5-7 दिन वीडियो बनाने के बाद उसका जोश टंड होना शुरू हो जाता है। वो कहता है यार सब्सक्राइबर तो 100 भी नहीं हुए यार, यूट्यूब तो कह रहा है 1000 सब्सक्राइबर होने चाहिए, कम से कम 2,40,000 मिनट होने चाहिए। वो कहता है यार ये तो मिशन इम्पॉसिबल है। अब सवाल यह, शुरू क्यों कर रहा था भाई, जब शुरू था तो पूरी एनर्जी थी, पूरी खुशी थी, वो खुशी आज भी रखना, अगर उसको रिपीट 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 करता रहेगा तो एक दिन वो सक्सेसफुल हो जाएगा। आप किसी भी टॉपिक पे बनाओ आपको खुशी मिलेगी, कब मिलेगी, अब आप सोचो 2,40,000 रुपये मिलेगी, फिर आप सोचोगे 24 लाख मिनट पे मिलेगी, फिर 2,40,000 मिनट पे मिलेगी, फिर 25 लाख पे मिलेगी, फिर 2,40,000 पे मिलेगी, वो टेम्प्रेरी मिलेगी। अगर मैं अपनी बात करूं, मेरे पास पहले साइकिल भी नहीं था जब मैं लड़का था, मुंडा खुंडा था, हम एक साइकिल किराए पे लेके आते थे 1 रुपये में, उसी से हमने वो सिक्की दी, तो उस टाइम बड़ा मजा आता था। उस टाइम जब हम फिल्म देखते थे तो 2.5 रुपये की टिकट आती थी, उस 2.5 रुपये वाली में बहुत ज़्यादा मजा आता था। आज बुलेट चलाने में उतना मजा नहीं आता जितना साइकिल चलाने में आता, ना कार चलाने में उतना मजा आता।
जब 2.5 रुपए की टिकट लिया करते सबसे आगे बैठते थे, क्योंकि पीछे की तो बालकोनी की 10 रुपए की होती थी उस टाइम भी। उस 2.5 रुपए वाली में ज्यादा मजा होता, अब 250 रुपए की टिकट ले उतना मजा ही नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो उम्र नहीं रही। हर उम्र का एक अपना अलग मजा है, उसका चीज का भी उसका उम्र के हिसाब से मजा है, उम्र के हिसाब से उसकी खुशी है। ऐसे हम कोई किसी चीज को हम अपने ऊपर से सोच रहे हैं यार ये चीज लेके खुशी मिलेगी। मैं तब भी खुश था जब 1 रुपए का साइकिल लेते थे, अब भी खुश हूं जब अपने लड़के को मैंने बुलेट दवा दी। अब पहले मैंने जब 800 गाड़ी ली, आज से 20 साल पहले, बड़ा मजा आया भाई, बड़ी खुशी हुई भाई। उसके बाद मैं 4 गाड़ियां बदल चुका हूं, मैं ओडी भी ले लूंगा, शायद उतना खुश ना हूं जितना 800 में हुआ था। तो जिंदगी में जो काम पहली बार होता है वो एक ही बार आता तो है, एक ही बार पहली बार आती है जिंदगी में, फिर तो वो दूसरी हो जाएगी, तीसरी बार हो जाएगी, चौथी हो जाएगी, पांचवी हो जाएगी, उतना मजा नहीं आएगा। तो कहने का भाव यह है, अपनी खुशी को किसी पर्टिकुलर चीज से ना जोड़े और डेली खुश रहने की कोशिश करें। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप मेरे चैनल पे अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।